सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रग्मा फिक्स टूल, जो कि फ्रेंड्स में काफी सारा अपडेट आ चुका है और इसमें बहुत सारे बिट मैप्स ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे स्केमेटिक डायग्राम के जो है टूल्स ऐड हो चुके हैं। तो बहुत सारे डायग्राम इसमें ऐड हो चुके हैं, बिट मैप ऐड हो चुका है। और प्रग्मा फिक्स की खासियत ये है फ्रेंड्स, इसमें लिख कर भी होता है, इसमें वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि लैंग्वेज इंडोनेशिया की लैंग्वेज होगी, ये जो डायग्राम टूल है ये इंडोनेशिया के किसी टेक्नीशियन भाई ने इसको बनाया है। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए कि इसके अंदर आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्योंकि अभी तक हम जो डायग्राम यूज करते हैं टूल्स, काफी सारे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसा DKJZ हो गया, या मोबाइल वनटेक हो गया, या एफ फाइंडर हो गया, या बोर्नियो हो गया, ऐसे काफी सारे टूल्स थे। और अभी ये प्रग्मा फिक्स हालांकि बहुत पुराना ही टूल है, बट इसमें फ्रेंड्स अपडेट आ नहीं रहा था, इसीलिए लोग इसे यूज नहीं कर रहे थे। लेकिन इस वीडियो को आप देखिए, अगर आपको ये सारा टूल्स अच्छा लगता है तो इसे भी यूज करिए, क्योंकि फ्रेंड्स सारे टूल्स आपको रखने ही होंगे अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन बनना चाहते हैं। अगर आपके पास से आप काम वापस नहीं करना चाहते हैं तो अलग अलग तरह के टूल्स आपको रखना ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही टूल के अंदर सारे सॉल्यूशंस नहीं मिलते हैं। कुछ प्रग्मा फिक्स के अंदर मिल जाते हैं, तो कुछ DKJZ में मिल जाते हैं, कुछ एफ फाइंडर में मिल जाते हैं, कुछ बोर्नियो में मिल जाते हैं, कुछ मोबाइल वन टेक में मिल जाते हैं, कुछ जिंग जी जाओ में मिल जाते हैं। तो ऐसे काफी सारे डायग्राम के टूल्स आते रहेंगे और आते ही हैं, और कुछ कुछ लोग उस पर बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बहुत सारा अपडेट देते हैं, और कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो अपडेट ना देने के कारण, जो मॉडल्स लेटेस्ट मॉडल्स के डायग्राम्स ना डालने के कारण, उसका सोल्यूशन ना देने के कारण वो टूल्स बंद भी उतना ही जल्दी हो जाते हैं। तो प्रग्मा फिक्स अभी एक बड़ा अपडेट लेकर आया है फ्रेंड्स। चलिए सबसे पहले मैं इसका डायग्राम का टूल ओपन कर देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे काफी सारे मैंने आईसीओ की डाटा शीट खोल के रखी है, और बहुत सारे डायग्राम्स और बिट मैप्स वगैरह भी मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसका बिट मैप प्लस ये डायग्राम है, और ये भी एक बिट मैप प्लस डायग्राम है। तो इसके अंदर हार्डवेयर सोल्यूशन भी होता है इस तरह का, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी एक हार्डवेयर सोल्यूशन है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिए। लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड, ट्रेनिंग ई बुक। ई बुक का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, ये लोग जो है इसके अंदर काफी सारा बुक्स प्रिंट करके रखे, मतलब ई बुक यानी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। आईफोन के बारे में इन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे लिख के रखा है, फारसी में लिखा है, और हिंदी में भी इन्होंने लिखा है। जैसे आप देख सकते हैं, इंडोनेशिया की लैंग्वेज इन्होंने यूज की है। ये आईफोन के लिए है, ये लैपटॉप के लिए, ये मैकबुक के लिए, और ये मोबाइल फोन के बेसिक कुछ यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं, मोबाइल फोन इमरजेंसी एक्सपर्ट। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आईफोन हिंदी का ओपन करके चेक करता हूँ, चैप्टर 3 में देखते हैं क्या है, कुछ हमको डायग्राम मिलता है क्या नहीं मिलता है, देखते हैं। इसके लिए आपके पास PDF का ये टूल भी चाहिए, जिसमें आप ओपन करके पढ़ सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये लोग अपडेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ई बुक में मतलब यहाँ पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, और ट्रेनिंग के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ ट्रेनिंग के वीडियोस है। जैसा मोबाइल के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, UEFI का कंट्रोलिंग इस तरह से इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे एक बार मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ, तो ये जो वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, इंडोनेशिया का ट्यूटोरियल है, और उनकी लैंग्वेज भी इंडोनेशिया की ही इसमें होती है। चलिए एक MMC का यहाँ पे एक हम ओपन कर लेते हैं, कोई भी एक वीडियो, UFS प्रोग्रामिंग, सॉरी ये वाला खोल लेते हैं, डम्प फाइल कैसे इसको राइट करना है UFI बॉक्स से। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी वीडियो भी प्ले होगा। ये इनका लोगो वगैरह है जो शुरुआत में ओपन होता है। थोड़ा सा यहाँ से अपन फॉरवर्ड कर देते हैं, और फॉरवर्ड करके di video sebelumnya tentu kita telah belajar bagaimana menyiapkan eMMC dalam kondisi terbaiknya, sekaligus kita belajar mengenai eMMC controller dan register-register yang terdapat di dalam eMMC controller. Kita saat ini akan melakukan update eMMC firmware. eMMC ka firmware dan ini update kar raha hai. Seharusnya dibiasakan Samsung baik itu pada eMMC baru atau yang lebih second selama sakte. Dia termasuk di 71 tipe yang disupport untuk so, melakukan update eMMC firmware. Ya, 71 tipe sakte. Yang eMMC firmware-nya disediakan oleh UVBook. Untuk eMMC yang tidak disupport tentu rekan-rekan harus memutuskan ya apakah perlu untuk dilakukan repartisi atau belum.
karena repartisi hanya bisa dilakukan. देख सकते हैं इस तरह से कैसे MMC को इसने RPM भी किया, dump write कर रहा है, ये सब कुछ यहाँ पे बता रहा है। आप ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए मैं इसको रोक देता हूँ। तो और भी वीडियोस हैं यहाँ पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वीडियोस के बाद में फोन का डाटा शीट, डाटा शीट की बात करें तो MMC की और CPU और पावर वगैरह की यहाँ पे डाटा शीट इन्होंने दी है। SK हाइनिक्स, तोशिबा, सैमसंग, सारे MMC यहाँ पे है, देख सकते हैं। तो इनमें से कोई एक ओपन करके देख लेंगे अपन। यहाँ पे एक हाइनिक्स की MMC है, इसको ओपन करके देखते हैं। वर्जन 0.1 रिवीजन की है, बहुत पुरानी MMC होगी शायद। थोड़ा सा नीचे आते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसका कुछ अपने को डाटा शीट कुछ काम में आता है कि नहीं आता है। तो इसके बारे में पढ़ना है तो आप यहाँ पे देखिए, ये सारी MMC थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता से आप नीचे करके देखेंगे तो आपको मिलेगी। ये देख सकते हैं BGA 221 का ही ये डाटा शीट है, और ये हाइनिक्स की MMC है। जैसे आप देख सकते हैं ये इसका नंबर होगा, 16 GB की है ये LPDDR3। तो इसके बारे में आप पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ सारी चीज यहाँ पे है नॉलेज के लिए, इसमें किस तरह की लाइनें होती है, क्या है यहाँ पे, क्या वोल्टेजेस आना चाहिए, सब कुछ इन्होंने दे दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो ये एक प्रग्माफिक्स के अंदर एक एक फुल फॉर्म्स भी आपको मिल जाएंगे, क्या क्या है, क्या रीड करना है, क्या नहीं करना है। तो चलिए इसके बाद में MMC के बारे में फिर हम आगे देखेंगे। ये सारे CPU के बारे में है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारे CPU और पावर AC के बारे में इन्होंने यहाँ पे रखा है। तो मैं यहाँ पे आपको डायग्राम खोल के बता देता हूँ। ये MT6177 यहाँ पे आप देख लेंगे, इसका डाटा शीट मैंने यहाँ पे खोला है। वाई ये वाली जो IC RFIC है MediaTek की, यहाँ पे मिल जाएगा आपको 6177, ये वाली IC मैंने यहाँ पे डाटा शीट खोली है। ये देख सकते हैं कहाँ पे ग्राउंड है, कहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, कहाँ पे 100 इन की सप्लाई है, सारी चीज यहाँ पे बताई गई है। कहाँ पे इसमें कौन सी सप्लाई आ रही है, BSI क्लॉक, I2C लाइन वगैरह, VIO वोल्टेज, ये पर्पल कलर के वोल्टेजेस होते हैं, तो कितना वोल्टेज आना है, क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा चीज इन्होंने लिख दिया है। इसमें कितना वोल्टेज कहाँ पे मिलेगा आपको, मिनिमम टू मैक्सिमम सब कुछ इन्होंने लिख दिया है। तो ये RFIC। इसके अलावा अगर पावर AC की बात करूँ, PM6357, तो यहाँ पे 6357 अगर आप देखेंगे, CRV जो हमारी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं 6357, ये वाली IC मैंने यहाँ पे खोली है। तो यहाँ पे सब कुछ लिख के है कि एक नंबर में क्या है, दो नंबर में क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोल्टेज प्रोसेसर पावर के लिए ये सारी चीज यहाँ पे ये लिखा हुआ होता है। VSYS मॉडम की सप्लाई होती है, ये मॉडम जो होता है आपको मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन की स्विचिंग लाइन, VPA जो होता है, SW नॉट फॉर VPA, वोल्टेज पावर एम्पलीफायर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। वाइब्रेटर फला फला फला, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं क्वालकॉम में बात करूँ फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमने SDM660 जो CPU इसका डाटा शीट यहाँ पे खोली है। अगर आपको ये रीड करना है तो ये भी आप रीड कर सकते हैं, जूम करके देख लीजिए। देख सकते हैं A नंबर पिन में ग्राउंड आ रहा है, BNC सेकंड EBIO पिन से इंटरनल बस इनपुट आउटपुट, ये वाईफाई कनेक्शन के लिए, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, देख सकते हैं सारा VDD की सप्लाई, ADC, ये देख सकते हैं सारी चीज, GPIO जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, क्लॉक की सप्लाई, RF, ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ग्राउंड कहाँ पे आ रहा है, क्या है, इसको पढ़ना है, BP क्लॉक, CSI कैमरे की सी इंटरफेस की सप्लाई है, ये सारी चीज यहाँ पे, ये देखेंगे बेस बैंड की सप्लाई हो गई, और VDD APC वगैरह, ये जो हमारी बक सप्लाई S1 S2 S3 की सप्लाई आती है यहाँ पे, USB के लिए, 1.8 सेक्शन के लिए, ये सारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये DA कैमरा डिस्प्ले के लिए, DSI डिस्प्ले सीरियल इंटरफेस, ये USB HS यहाँ पे देख सकते हैं, ये DMDP की सप्लाई, तो कोर की सप्लाई, VDD कोर की सप्लाई, तो इसको अगर आपको पढ़ना है, VDD UFS वगैरह है, क्या है इसमें, ये सारा आप पढ़ सकते हैं। क्वालकॉम SDM660 का है ये डायग्राम। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे हमने ओपन किया, ये थर्ड आप देखे थे डाटा शीट। डाटा शीट के बाद में फोन डायग्राम्स है,
डायग्राम से यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है Redmi Note 5 Pro का डायग्राम, ये देख सकते हैं। ये अगर आपको देखना है ये कॉइल कहाँ पे है, कितने नंबर का है, तो यहाँ पे साइड में डायरेक्टली ये बता देगा। ये कॉम्बाइन है दोनों, अगर अलग से करना चाहते हैं तो आप अलग भी कर सकते हैं। इसको स्केमेटिक को हाइड कर देंगे तो सिर्फ यहाँ पे बिट मैप रहेगा, और ये शो स्केमेटिक करेंगे तो यहाँ पे शो स्केमेटिक हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अगर आपको देखना है ये आईसी कौन सी है, यहाँ पे जस्ट क्लिक लगा दीजिए तो यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2GB है, यहाँ पे अगर क्लिक लगा देंगे तो ये बता देगा 4GB है, ये देख सकते हैं ये नंबर की आईसी है, ये नेटवर्क किस सी क्या आईसी है। यहाँ पे कंपोनेंट चेक लगाएंगे तो यहाँ पे बता देगा ये कैपेसिटर है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि ये कॉइल है कैपेसिटर है कितने वैल्यू का है, जस्ट यहाँ पे चेक लगाओ, यहाँ पे बताता जाएगा। ये देख सकते हैं इस आईसी का अगर नंबर देखेंगे तो U801 यहाँ लिख के है, तो वही वाला आईसी हमारा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं U801, मतलब कॉम्बाइन में एक साथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं U501 एक आईसी है, तो अगर इस कॉइल के पास में कनेक्ट लगाऊंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉइल जो है हमारा 1 माइक्रो हेनरी का कॉइल है। तो ये जो लाइन है हमारी S6 की लाइन है, तो ये जो आ रही है हमारी इसी पावर आईसी से आ रही है, मेन पावर आईसी इसका PM660 जो होता है U501, ये देख सकते हैं PM660 अगर आप देखना चाहें तो नीचे लिखा हुआ हो सकता है इसमें, तो इस डायग्राम में यू नहीं दिया गया है। तो ये एक बिट मैप भी इसके अंदर है, और भी लेटेस्ट मॉडल्स भी है, जैसा देख सकते हैं आप ये Redmi K40 का मैंने यहाँ पे एक बिट मैप डायग्राम खोला, तो आपको देखना है कि सीपीयू कहाँ है, कौन सी आईसी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा यहाँ पे UFS वगैरह सब कुछ यहाँ पे है। आईसी जैसे आप क्लिक करोगे तो उसी आईसी के पास ये आपको मिल जाएगा, ये MMC है, ये सीपीयू है, UFS है क्या है आप देख सकते हैं, ये आईसी कौन सी है, ये नीचे एक छोटी सी आईसी लग के है, इस पे जैसे ही चेक लगाओगे तो यहाँ पे मिल गई आपको एक आईसी, सेंसर गैरो सेंसर के लिए ये यूज की गई है एक्सेलेरोमीटर। इसके अलावा यहाँ पे इधर हटाएंगे आप, ये देखना चाहते हैं यहाँ चेक लगाइए तो समझ में आ जाएगा कि ये बैटरी कनेक्टर है हमारा, ये देख सकते हैं। इसके अलावा तो कहीं पे भी जाइए, कोई भी कंपोनेंट को चेक लगाइए डायरेक्टली, ये देखिए एंटीना के टिप्स है, यहाँ पे कॉइल एक है, ये कॉइल देख सकते हैं यहाँ पे। ये पगना फिक्स में ये बिट मैप और डायग्राम आ चुका है, इसके नीचे फोन बिट मैप्स अलग से भी अगर आप देखना चाह रहे हैं सारे बिट मैप्स है। इसके अलावा फोन रिपेयर गाइड यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मॉडल हमने खोल लिया है ओप्पो A7 का, ये देख सकते हैं इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन है। डिस्प्ले की लाइंस यहाँ पे हमने खोली है, कौन सी लाइंस डिस्प्ले के लिए, टीयरिंग, रीसेट, VSP, VSN, कितना GR आना चाहिए, मल्टीमीटर भी यहाँ दे दिए लोग, आपके पास फ्लुक का मल्टीमीटर है, आपके पास सनशाइन का मल्टीमीटर है, आपके पास सनवा का मल्टीमीटर है, आपके पास जोटेक या जोई का मल्टीमीटर है, कौन सा है वो वाला मल्टीमीटर का यहाँ पे GR इन्होंने दे दिया है कि इस लाइन में कितना GR आना चाहिए। देख सकते हैं कितना GR DMDP की लाइन में, ये जो हमारी डाटा की लाइन्स है सारी DSI की लाइन सब में देख सकते हैं, क्लॉक कमांड में इसमें देख सकते हैं, रीसेट और टीयरिंग में थोड़ा ज्यादा है। तो ये हार्डवेयर सोल्यूशन भी इन्होंने दे दिया है, बिटमैप भी दे दिया है, काफी सारी चीज है। टच स्क्रीन का भी मैंने यहाँ लिया, मिसो मोसी SPI प्रोटोकॉल यूज किया है, रीसेट लाइन, INT सप्लाई, ये SPI CS और क्लॉक चिप सेलेक्ट और क्लॉक मिसो मोसी लाइन और 1.8 ये देख सकते हैं ये पावर एसी से यहाँ पे आती है। तो ये सारा सब कुछ इन्होंने दिया है, हार्डवेयर सोल्यूशन इसमें है और बिट मैप इसमें है, डायग्राम्स इसमें है, डाटा शीट इसमें है। अगर आप लेना चाहे तो ये ले सकते हैं, काफी अच्छा टूल है, इसमें काफी सारे सॉल्यूशंस है आप सबके लिए। तो ये एक नया अभी अपडेट आया है प्रग्मा फिक्स के अंदर, तो ये अगर आप लेना चाहे, बॉर्नियो अगर आपके पास है उसके अलावा ये लेना चाहते हैं, या कोई और डायग्राम है आपके पास तो ये जरूर लें, बहुत अच्छा अपडेट आया है इसके अंदर। ये लोग अपना अपडेट दे रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट दे रहे हैं, तो अगर आपको देखना है तो आप जाकर के इनके पेज पे भी देख सकते हैं, बहुत सारे अपडेट्स ये लोग डेली डेली यहाँ पे लेकर आ रहे हैं। तो इनके होम पेज में अगर आप जाके देखेंगे, देखिए अक्टूबर में इतना सारा इन्होंने अपडेट डाला है, सितंबर में भी देखिए जाकर के, सितंबर कंटिन्यू ये लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इसमें डाल रहे हैं। ये टूल भी आगे जाकर के बहुत अच्छा आपको साबित होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एक ही टूल रखने से सारा काम नहीं होगा, तो आपको एक से ज्यादा टूल्स रखने होंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो में आपको प्रग्मा फिक्स के बारे में मैंने बताने की कोशिश की है, जिसके अंदर आपने जैसा देखा इसमें बुक्स है, वीडियोस है, डाटा शीट्स है, आईसीओ के डायग्राम के टूल्स है, बिटमैप है, हार्डवेयर सोल्यूशन है, मोबाइल के अलावा कंप्यूटर और लैपटॉप के भी काफी सारे टूल्स है इसमें। तो ये बहुत ही कम प्राइस का ही है, मैं इसका प्राइस नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप पूछ लीजिए मार्केट में कितना चल रहा है, किसी से भी आप ले सकते हैं। तो ये लेना चाहे आप सलीफ GSM उबैद भाई से ले सकते हैं, इनका नंबर मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास शेयर करिए, टेक्नीशियन भाइयों के पास।
थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह से किसी नए अपडेट के साथ।